से आप परिचित नहीं हैं और मैं माँ सरस्वती से गुजारिश करूँगा, अपने दर्शक भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद दुआ मिले ताकि ये फिल्म सफलता की ओर जाए। मधुकर जी, आप क्या बताना चाहेंगे? संगीत कैसा जिसका नाम है ठाकर सिंह, तो गीत संगीत को लेकर के ये हमारे भाई साहिल खान जी बना रहे हैं। साहिल जी के साथ हमने बहुत काम किया है और एक टेक्निकल आदमी होते हुए एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं साहिल जी, और एक उनके दोस्त रतन जीत जी, माफ़ कीजिएगा, मैं रतन जीत जी का निकनेम जानता हूँ, ये नाम मैं भूल गया था। तो दो आदमी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक टेक्निकल आदमी का प्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो एकदम तय है कि फिल्म का टेक्निकल पक्ष बहुत ही मजबूत रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जहाँ तक रही म्यूज़िक की बात, तो प्रोड्यूसर खुद एक बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, बहुत अच्छा मिक्सिंग करते हैं, तो म्यूज़िक का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो हम लोगों से काम निकालने तो उनको बहुत अच्छा आएगा। तो अपनी मेहनत लगन पूरा 100% हम लोग देंगे। मेरा म्यूज़िक है इसमें, और एक दूसरे फिल्म का भी मुहूर्त कर रहे हैं, तो उसमें घुंगरू जी हमारे भाई हैं, उनका म्यूज़िक है। बाकी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कहानी है। कोशिश रहेगा कि आप लोगों को हम खुश कर सकें, अच्छा म्यूज़िक बना सकें। अभी जी और कुछ खुलासा करना चाहिए इस फिल्म को लेकर के? अभी सारा कुछ प्रोसेस में है और हम लोग का वर्क काम चल रहा है। सिचुएशन भी हम लोग के सामने आने वाले हैं, सब आ जाएगा। जैसे तैयारी करेंगे तैसे हम लोग बताते रहेंगे। और गुरु जी, सबसे पहले तो एक नई फिल्म के लिए बधाई आपको, और सबसे बड़ी बात है कि नए टेक्नीशियन जो है वो नई पारी खेल रहे हैं ऐसे प्रोड्यूसर के, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुभकामना देना चाहेंगे। हमारे भाई प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, रंजीत जी, शुभम सिंह और साहिल खान, तो उनको दिल से बधाई है। बहुत शुभकामना है कि जिस जुनून के साथ इस फिल्म का मुहूर्त किया जा रहा है, अनाउंसमेंट है, अच्छे तरीके से पूरा करना। ऑब्वियसली वो एक है, तो वो चाहेंगे कि बाकी फिल्मों की तरह इसका भी, इस फिल्म का भी म्यूजिक बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हिट हो। और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहानी बाकी है, कहानी सुनना है, तो सुनने वाली लेकिन टाइटल के हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छी कहानी होगी और मज़ा आएगा। तो उसके बाद ही लोग बताएंगे, तो हमें देखने के बाद ही पता लगेगा कितना कौन है। तो मैं और कभी शाम भी हैं, स्पेशली साहिल भाई को, प्लस इस फिल्म के सभी सदस्यों को से शुभकामना देना चाहूँगा कि ये फिल्म अच्छे से बनाए लोग, और बाकी लोग जरा अच्छा मुकाम पाए सबसे लोग। आप पता चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि टाइटल बहुत ही डिफरेंट है, बहुत खूबसूरत टाइटल है। धाकर सिंह और राधा का संगम, दो फिल्म का आज अनाउंसमेंट है, तो टाइटल डिफरेंट है, कहानी डिफरेंट होगी, और स्वाभाविक है कि इसका म्यूज़िक भी बहुत डिफरेंट होगा। हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की, ताकि आप लोगों तक हमारा संगीत, फिल्म मेकिंग सब कुछ पहुंच पाए। और जैसे हमेशा से आप लोग आशीर्वाद देते हैं, इस बार भी आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करेंगे, हमारे दर्शक से कामना करेंगे सर। इसे दोनों फिल्मों का नाम एक तरफ जो है पूरा मारधार से भरपूर लग रहा है, रावड़ी ठाकर सिंह, दूसरा रोमांटिक लग रहा है, राधा का संगम, बड़ा प्यार रोमांटिक सा नाम है। राधा का संगम उसी टाइटल से ये टाइटल भी कनेक्टेड है एक्चुअली। जब राधा का संगम एक दूसरे से मिलने की बात होगी तो उसमें ठाकर सिंह तो बीच में आएंगे ही, क्योंकि जब तक फाइट नहीं होगा तब तक राधा का संगम होगा नहीं। इसलिए दोनों ही टाइटल एक दूसरे से कनेक्टेड है और दोनों ही बहुत खूबसूरत टाइटल है। कहानी जैसे सामने आएगी ठीक उसी तरीके से हम लोग अपना मूड म्यूजिक में लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा म्यूजिक बनाएं। ठाकर सिंह और राधा का संगम। ऐसे तो फिल्मों का, भोजपुरी फिल्मों का दौर काफ़ी जोरों शोरों पे है, काफ़ी फिल्में बन रही है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी बन रही है जो बनाने वाले मतलब कुछ लोग हैं जैसे म्यूजिक से जुड़े हुए हैं साहिल जी, और उन्होंने एक कदम बढ़ाया है। तो हमारे मतलब घुमा फिरा कर भोजपुरी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और दर्शकों का जिस तरह से आज डिजिटल के ज़माने में, जैसे अभी कुछ देर पहले अभी मधुकर जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आज अब ज़माना हॉल से सीधा डिजिटल पे आ गया है। तो मैंने भी मजाक में कहा कि जितने भी म्यूजिक जैसे हमारे ये श्याम देहाती जी, आज़ाद जी, सब कोई म्यूजिक कंपनी खोल के बैठे हैं, मतलब मजाक में ये बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसी तरह प्रोडक्शन हाउस में लोग भी जा रहे हैं। तो अगले बार शायद अगली फिल्म शायद श्याम जी बनाएं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फिल्म का मुहूर्त है और आगे जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से एक्शन फिल्म है। और राधा का संगम कहीं ना कहीं भोजपुरी टच कर रही है, भोजपुरी माटी से टच कर रही है। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले नमस्कार, मैं श्याम देहाती आप सबका बहुत शुभ प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले आप लोग जो लोग देख रहे हैं मुझे, मेरा जो यूट्यूब चैनल है देहाती एंटरटेनमेंट और एक देहाती धुन है, उसको सब्सक्राइब करें और उसमें अच्छे से अच्छे गाने आपको देखने को मिलेंगे। और आज की जो बात है तो आज दो फिल्मों का मुहूर्त है, एक का नाम है राधा का संगम और दूसरा रावड़ी राठौर, सॉरी। और हमारे एक दोस्त साहिल खान जी हैं, इनके प्रोड्यूसर, और हमारे एक का संगीतकार मधुकर आनंद जी हैं, दूसरे का घुंगरू जी हैं। तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगा आके यहाँ पे। आज दो फिल्मों का मुहूर्त है और हम लोग आगे काम करेंगे, सब लोग मिलते हैं। अभी तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों फिल्मों के लिए। और ये ऑलरेडी एक फिल्म बना चुके हैं, प्रोड्यूस किए हैं, और वो आई थिंक रिलीज पर है फिल्म तोड़ दे दुश्मन की नली। हाँ, तोड़ दे दुश्मन की नली। तो अभी और ये दो फिल्में शुरू की हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि एक प्रोड्यूसर कोई भी जब इंडस्ट्री में आते हैं और एक के बाद जब रिपीट करते हैं फिल्म एज प्रोड्यूसर, जब दूसरी फिल्म बनाते हैं तो ये अच्छा लगता है कि एक आदमी ने उसका अनुभव अच्छा रहा होगा, लोग उसको अच्छे मिले होंगे, टीम अच्छी मिली होगी, तो उस वजह से फिर वो हिम्मत बांध पाता है कि एक और फिल्म मैं बनाऊँगा। मेरी पूरी शुभकामना है, पूरी विशेष है कि रतन जीत को बहुत सक्सेस मिले। ये तो दूसरी और तीसरी फिल्म में, ईश्वर करे इसके आगे बहुत सारे ज़ीरो लगे। और साहिल जुड़े हुए हैं, साहिल बहुत वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी फिल्मों के रिकॉर्डिस्ट रहे हैं, रिकॉर्डिंग किए हैं, साउंड इंजीनियर रहे हैं फिल्मों के। तो ये सब हैं। लाल बाबू जो डायरेक्टर हैं, फिल्म के निर्देशक, उनके हाथ में कमांड है। और दोनों बहुत बढ़िया म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मधुकर जी और घुंगरू जी। ये लोगों ने जब भी किसी फिल्म का संगीत दिया है तो संगीत अपने आप में सर चढ़ के बोलता रहा है। तो टीम बहुत अच्छी है। अभी तक मुझे लगता है मेन लीड का गठन नहीं हुआ है, लेकिन जब इनकी शुरुआत इस तरह से हुई है तो जो बाकी कास्ट और क्रू जो होगा बहुत खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा होगा। और बस ईश्वर करे कि सक्सेस मिले, फिल्म बने, अच्छा बन के आए, यही मेरी शुभकामना। सर आप क्या कहना अपने बारे में दर्शकों को बताएंगे जो नहीं जानते हैं? अभी मैंने हाल ही में एक मूवी की है तोड़ दे दुश्मन की नली राम अली करके, जो ट्रेलर लॉन्च हो चुका है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से और जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये दो मूवी है, एक राधा का संगम और रावड़ी ठाकर सिंह, जिसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं लाल बाबू पंडित जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक मूवी बनाई थी जिला चंपारण करके। और इसमें म्यूज़िक है घुंगरू जी का और मधुकर जी का। उनके काम के बारे में आप लोग जानते ही हैं, कितने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और साहिल खान इसमें साथ में हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो इसके पहले कई सालों से गीत म्यूज़िक इंजीनियर रह चुके हैं, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और बस यही है, कहानी बहुत ही बेहतरीन मिलेगी इसमें, लव स्टोरी, तड़का, एक्शन, सब चीज़ मिलेगा आपको देखने को। और बस आप लोग का साथ चाहिए और शुभकामनाएँ चाहिए, लोगों का विशेष चाहिए। इसके लिए मैं आज ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट रखा हूँ, बाकी देखते हैं कैसे होता है। अब वही है कि जब ये साथ में है तो बस आशीर्वाद ही चाहिए, जो इन लोग का आशीर्वाद है। तो आज ये लोग एक शुरुआत देने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के शुरुआती टाइम से जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों से अच्छा एक्सपीरियंस और ज्ञान कोई नहीं दे सकता हमें, तो इनका हाथ हमारे सर पर होना चाहिए बस। तो बाकी तो हम सब करते ही हैं साथ में काम। ये खुद ही धाकर है और इसीलिए नाम भी रखा है रावड़ी धाकर। ये देखने में जितना रतन जी स्वीट लग रहे हैं और शांत लग रहे हैं, उतना ही ये धाकर है। और इन लोगों का साथ और आशीर्वाद के बिना कहाँ आप लोग के साथ होना चाहिए ज़रूर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे डायरेक्टर शुभम जी का, और इसमें जो है ये प्रोड्यूसर हैं, और दूसरा है साहिल भाई, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। संजय जी, आप मानव जी क्या कहना चाहेंगे? संजय भाई, मैं भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा शुभम भाई को। बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक पर्सन है। मैंने एक प्रोजेक्ट इनके साथ किया है, इनके प्रोडक्शन में, इनके डायरेक्शन में, तो मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म को भी वो अपने अंजाम तक लेके जाएंगे, और पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं है। जैसे प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए बगल में, इनके ट्रेलर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, दोनों लोग हैं और आप लोग अच्छा खासा सबको मनोरंजन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम करने का जो जिम्मा उठाया था शुभम भाई ने, उसको बखूबी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से निभाया है, और उसमें अपने राज भाई, निसार भाई और पूरी टीम ने, हमने मेरे हिस्से में जो था उसको मैंने अच्छे से किया है। बाकी सब भाइयों ने जो जो बीड़ा उठाया था पूरी ईमानदारी से किया। उम्मीद है कि वो एंटरटेन करेगी पूरी ऑडियंस को। संजय जी, आपके बारे में सुना जाता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं थिएटर में। अब हर जगह मत गवाइए। अभी अभी इस फिल्म के उस पर आए हैं, तो जब कंपोजिशन हो जाएगा तो मेरा वादा है कि मैं ज़रूर उस गाने को सुनाऊंगा। अभी हमारे आप एक बहुत फेवरेट गाना है जो कि आप हमेशा गुनगुनाते हैं, प्लीज मुझे दो लाइन सुनाइए। मैं खुद ही भूल गया हूँ मेरा फेवरेट गाना। तब तक आप याद कर आज भाई सुन लेते हैं। इनका एक अवधी बचना बहुत हिट हुआ है अवधी भाषा में, जो कि विराह के बाद जो है तो लोग भूलते जा रहे हैं। इन्होंने वो बचने से भोजपुरी। हाँ यार, राज भाई खुद एक अच्छे सिंगर है, इनके सामने आप मुझे गाने को कह रहे हैं। यही तो कमाल है, यही तो बात है। तो राज भाई दो लाइन हो जाए आपको बचना हो। हमने वो गाना गाया था, उस गाने में एक बहुत ट्रेजिडी थी, काफ़ी मतलब बड़ा मुश्किल से गाना हमारे पास आया हुआ था, और गाना लिखा था हमारे बीच में कवि जी बैठे हैं, तो कवि जी गाना लिख के हमको दिया था, और बहुत अच्छा बजा हुआ है, काफ़ी अच्छा हिट हुआ है, वो बहुत अच्छा बज रहा है आज भी। तो एक लाइन सुनाना चाहूँगा। दर्शन देता है मायारिया धीरे धीरे, दर्शन देता है मायारिया धीरे धीरे, सरस्वती मोर मैया तू ही बाड़ू मोर खेवैया नैया, खेवा मोर मायारिया धीरे धीरे, दर्शन देदा है मायारिया धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। बस मैं ये कहूँगा कि मेरी शुभकामनाएँ इनके साथ है, और मेरे साथ साथ ये बाहर भी बहुत काम कर रहे हैं, और शुभकामनाएँ हैं। मैंने भी एक प्रोजेक्ट अभी हाल में ही ख़त्म किया, और एक और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इनके साथ। बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा, और बहुत एनर्जेटिक बंदे हैं, गाने भी अच्छे गाते हैं ये। बस मेरी शुभकामनाएँ हैं कि एक के बाद एक करते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ, और आपके साथ काम करते रहें। थैंक यू, लव यू, आप सबका प्यार आशीर्वाद।